वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा घुमक्कड़ रथ घूमते घूमते पहुंच गया है अहमदाबाद, और मैं हूं यहां के बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी डायरेक्टर श्री विनीत मिश्रा जी के साथ, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीजेज एंड रिसर्च सेंटर एंड ट्रांसप्लांट साइंसेस के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वेब चैनल में। मधु जी नमस्कार, और आपकी जो चैनल है वो हमेशा लोकहित के उसमें काम करती है, लोगों को अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट्स और अच्छी अच्छी जगहों का मार्गदर्शन देती है, और आपकी चैनल और आप सब इसी कार्य में जुड़े रहें और लोगों को वास्तविकता की का ज्ञान देते रहें और मार्गदर्शन देते रहें। जी थैंक यू। मित्रों, डॉक्टर मिश्रा ने 2018 में यहाँ का चार्ज लिया, तो आइए उनसे जानते हैं कि तब से अभी तक क्या मेजर चेंजेस आपने किए। जी मधु जी, मुझे किडनी इंस्टीट्यूट में करीब 31वां साल है, और जब ये किडनी इंस्टीट्यूट के बारे में त्रिवेदी साहब ने, जो हमारे गुरु और गाइड और फिलोसोफर हैं, जिनकी फिलोसॉफी पे अब हम लोग चलते हैं, वो तो देवलोक हुए हैं जी, जब सर ने कनाडा से आकर और ये एक प्रस्ताव गुजरात की जनता के सामने गुजरात सरकार में रखा कि ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट और किडनी डिजीज़ के लिए इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, तब सरकार ने उन्हें ये ज़मीन दी और इसमें इंस्टीट्यूट बनाने की परमिशन दी। इंस्टीट्यूट बनाने की परमिशन के साथ पैसे तो नहीं दिए, तो सर ने, सर के मार्गदर्शन में, त्रिवेदी साहब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जाके पैसे इकट्ठा किए, और दो डोनर आए मधु जी, जो जिन लोगों ने उस टाइम जी 90 में 50-50 लाख रुपए दिए, जिनकी वाइफ के नाम पे ये इंस्टीट्यूट है, मिस्टर दोषी हैं तो, और मिस्टर मेहता हैं, जिन्होंने 50-50 लाख रुपए दिए, और बाकी के पैसे फिर त्रिवेदी साहब की गाइडेंस में हम लोगों ने इकट्ठा किया और ये 450 बेडेड इंस्टीट्यूट तैयार हुआ। कितने समय में तैयार हुआ डॉक्टर साहब? ये इसका काम 89 में शुरू हुआ और 1992 में ये बन के तैयार हो गई, और फेज़ वाइज मैनर में हम लोगों ने ये इंस्टीट्यूट को शुरू कर दिया जी। पर आपको जान के वो होगी कि आश्चर्य होगा कि ये 450 बेड सडनली कम पड़ने लगे जी। जिस तरह के पेशेंट्स आने लगे गुजरात से, राजस्थान से, एमपी से, महाराष्ट्र से जी। और इवन दिल्ली और नॉर्थ से जो पेशेंट्स आ रहे थे और जो आ रहे हैं, उससे 450 बेड्स कम पड़ने लगी। हम लोग के पास 100 डायलिसिस मशीन है, 14 ऑपरेशन थिएटर्स हैं अभी इस इंस्टीट्यूट में, और सभी जो 400 लोगों का रोज़ डायलिसिस होता है, जो इवन लॉकडाउन कोविड पोजीशन में भी हम लोग 400 लोगों का प्रतिदिन डायलिसिस करते थे और अभी कर रहे हैं। हम लोगों ने त्रिवेदी साहब के गाइडेंस में एक सपना हुआ था कि जिसमें गुजरात में कोई भी व्यक्ति 30-35 किलोमीटर से मधु जी ज़्यादा चल के ना जाए जी, और उसका डायलिसिस हो जी। हाँ, तो उसे गुजरात डायलिसिस प्रोग्राम कहते हैं, और आपको जान के हैप्पीनेस होगा कि अभी करीब 50 सेंटर्स हैं जिसमें 700 मशीन्स हैं, और हम लोग प्रति साल 3 लाख लोगों का डायलिसिस करते हैं जी। उसका पैसा गवर्नमेंट ऑफ गुजरात देती है, और ये सपना इवन उस टाइम के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी थे, और जो अभी अपने प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, ये उनका सपना है? हाँ, कि 35 किलोमीटर पे आपको मतलब, वो मिले। हाँ, ये जो किडनी डिजीज के लोगों को दूर दूर से चल के आना ना पड़े,
तो साहब ने ऐसा कहा था कि 50 से 30 किलोमीटर के दायरे में एक सेंटर हो और ये सेंटर मधु जी संपूर्ण तरह से फ्री डायलिसिस करता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से करता है। मैंने सुना शायद कुछ कैश भी देते हैं उन्हें आने जाने के लिए आप। हाँ, ये गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके अंदर जो लोग डायलिसिस कराने आते हैं उनको 300 रुपये प्रति डायलिसिस ट्रांसपोर्ट चार्ज दिया जाता है जी। और ये स्कीम उसके हिसाब से एक बड़ी अनोखी स्कीम है जी। जिसको क्या कहते हैं, ये मॉडल सारे हिंदुस्तान में नहीं है, वैसे अगर देखो तो कहीं पे इतना बड़ा सपोर्टेड गवर्नमेंट प्रोग्राम कहीं भी नहीं है। है ही नहीं, है ही नहीं दुनिया में, इवन इन अदर स्टेट्स भी नहीं है। नहीं, नहीं है। यानी मित्रों, एक तो 1300 बेड और गवर्नमेंट सपोर्टेड स्कीम और किसी भी राज्य में नहीं है। यानी इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसी यहाँ पे रेखा खींच के गए कि जिसको फॉलो करते हुए ये इस क्षेत्र में भी अग्रणी है। डॉक्टर साहब और बताइए क्या और आपको, क्या आपको मधु जी ये जान के बड़ी खुशी होगी कि ये डायलिसिस सेंटर इवन आदिवासी एरिया में है। 12 सेंटर ऐसे हैं कि जो ट्राइबल एरिया में है जहाँ पे डॉक्टर मिलना ही मुश्किल है जी। तो वहाँ के जो टेक्नीशियंस हैं उनको ट्रेन किया गया कि वो बहुत अच्छी तरह से डायलिसिस करें। आसपास के जो डॉक्टर्स थे उनको ट्रेन किया गया कि इनकेस इमरजेंसी हो तो प्राइवेट से भी आके डॉक्टर्स इन पेशेंट्स को देखें। और अपने जो नरेंद्र भाई हैं दिल्ली बैठे बैठे, वो छोटा उदयपुर नाम का एक ट्राइबल विस्तार है जो बड़ौदा से करीब 150 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे VC द्वारा लोगों की खबर पूछते हैं। मतलब वो इतना सराहनीय है कि इतने बड़े आदमी इतने बड़े देश को चलाते हैं, पर वो कभी भी जो उनकी जो स्कीम्स हैं गुजरात का, जो गुजरात मॉडल है किडनी पेशेंट्स का, उसकी भी पूरी निगरानी रखते हैं। निगरानी और चिंता, हाँ बिल्कुल, सही हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल बड़ी बात है। उनके बाद के जितने भी चीफ मिनिस्टर आए, हेल्थ मिनिस्टर्स आए, उन्होंने इसी प्रोग्राम को एकदम अच्छी तरह से चलाया, उसमें कोई कभी भी बाधा नहीं, हमेशा इस प्रोग्राम को विस्तृत करने वाली ही फिलोसॉफी रखी जी। तो डॉक्टर साहब, अभी तो ये किडनी में काफ़ी सक्षम हो गया स्टेट जी, तो यही कारण है कि बाहर के लोग यहाँ आते हैं। हाँ मधु जी, ऐसा है कि किडनी इंस्टीट्यूट एक मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर है, मतलब कि यहाँ पे किडनी, लीवर, पेनक्रियाज और यूट्राइन ट्रांसप्लांट होता है। ये तो ऑर्गन है, सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, प्लस हम लोगों का एक क्षेत्र है जो टिश्यू बैंकिंग और टिश्यू ट्रांसप्लांट का है, जैसे ओवेरियन टिश्यू बैंकिंग, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन बैंकिंग, और अब हम लोग बोन बैंकिंग और कार्टिलेज बैंकिंग शुरू कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि ओवेरियन टिश्यू बैंकिंग से मानो के कोई पेशेंट, यंग पेशेंट, मैलिग्नेंसी है, कैंसर है जिसको हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी नहीं है, और उसको अगर अपने कीमोथेरेपी देते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं, तो उसका अंडकोश काम करना बंद कर देता है। अच्छा। फिर वो माँ नहीं बन पाती है। अच्छा। तो हम लोग उसकी ओवरीज को निकाल के प्रिजर्व कर लेते हैं, उसका कॉर्टेक्स प्रिजर्व करते हैं। जब उनकी सारी ट्रीटमेंट हो जाती है मधु जी, तब 3 से 6 महीने तक उनको एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, कुछ और मेडिसिन देते हैं। फिर ये जो ओवेरियन कॉर्टेक्स हम लोगों ने प्रिजर्व किया हुआ है उसको लेप्रोस्कोपी द्वारा वापस से उस जगह पे रख देते हैं जहाँ पे ओवेरियन फोसा जिसको कहते हैं, और फिर से वो उसे माहवारी आना शुरू हो जाती है। इज इट? हाँ, और वो माँ बन जाती है, माँ बन सकती है, है ना। अभी हम लोगों के यहाँ पे राजस्थान का एक पेशेंट है जिसको ट्विंस बच्चे आए इसी प्रोसेस से, यानी रीइंस्टॉल करना, निकालने के बाद जी, वो पूरी ओवरी को निकाल के उसका जो ओवेरियन कॉर्टेक्स होता है उसको प्रिजर्व करते हैं, और ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद में इसे वापस ओवेरियन फोसा यानी जहाँ पे ओवरीज हैं उसी जगह पे दूरबीन द्वारा उसे वापस से इंस्टॉल करते हैं, रिपोजिट करते हैं। यानी विज्ञान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और वो मेरे ख्याल से अभी हिंदुस्तान में सिर्फ हमारे यहीं होती है, जो ओवेरियन कॉर्टेक्स या ओवेरियन टिश्यू क्रायो प्रिजर्वेशन है वो हम लोग यहाँ पे बड़े पाये पे होता है। इसी तरह से प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन्स जो हैं उनको अगर अच्छी तरह से प्रिजर्व किया जाए तो बर्न्स वाले जो पेशेंट हैं जी उनमें बहुत अच्छा बायोलॉजिकल ड्रेसिंग होता है, और इस हिसाब से हम लोग बर्न्स वाले पेशेंट्स को जो सिविल में हैं उनको हम लोग ये मेम्ब्रेन्स देते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब जैसे अभी काफ़ी चीज़ें आपके यहाँ मल्टी ऑर्गन शामिल हो गई हैं, क्या कुछ और ऐड करना चाहते हैं? मतलब अब जब नई बिल्डिंग हो जाएगी, नई बिल्डिंग की खासियत ये है कि उसमें 850 बेड्स हैं जी, और उसमें अति आधुनिक 20 थिएटर्स हैं। 20 थिएटर्स हैं, यानी ऑपरेशन थिएटर्स, ऑपरेशन थिएटर्स 20 हैं जो, यानी एक साथ 20 ऑपरेशन हो सकते हैं, एक साथ 20 ऑपरेशन हो सकते हैं, और माइनर थिएटर्स और दूसरे 12 हैं, है ना, जिसमें छोटी छोटी और प्रोसीजर्स हो सकती हैं, यानी ओवरऑल 32 वहाँ के और यहाँ 10 यहाँ के, 42 जी। तो ये है, ये कंट्री का लार्जेस्ट मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांटिंग सेंटर है। मेरा विज़न ये है कि मेरे कार्यकाल में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है उसमें जैसे हैंड ट्रांसप्लांट है, हैंड ट्रांसप्लांट मतलब हाथ का ट्रांसप्लांट है ना, यानी अगर हाथ कट गया है, हाँ, जैसे गांव में किसानों के हाथ थ्रेशर में आ जाते हैं, उसमें आ जाते थ्रेशर में आ जाते हैं, कट जाते हैं या रोड एक्सीडेंट होता है जी। तो अभी ये जो हैंड ट्रांसप्लांट है ये ज़्यादातर साउथ इंडिया में होता है और बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुजरात में मधु जी कैडेवर प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, और हम लोगों का एक विज़न है कि 2025 तक, वैसे तो 2022 था पर कोरोना काल ने इसे थोड़ा पीछे कर दिया है, कि 2024-25 तक में लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट है ना वो संपूर्ण तरह से बंद हो जाएगा। मतलब अगर जिसका ऑर्गन फेल हुआ है उसको 6 महीने के अंदर कैडेवर मिल जाएगा, कैडेवर ऑर्गन या डिसीज डोनर ऑर्गन मिल जाएगा। यानी वो आर्टिफिशियल होगा या लोगों के द्वारा दिया गया नहीं, होगा? आर्टिफिशियल तो होता नहीं है मधुमेह, नहीं, जैसे किडनी का चल रहा है कि आर्टिफिशियल, हाँ, किडनी आने वाली है, वो आप और हमारे लाइफ टाइम में आ जाएगी, तब तो क्या होगा, तो किसी इंसान की किडनी की ज़रूरत नहीं होगी। हम लोग 2005 में साउथ कोरिया गए थे तो सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च चल रही है जो पिक को ह्यूमनाइज कर रहे हैं, मतलब पिक के अंदर जेनेटिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, यानी सुअर के अंदर, हाँ सुअर के अंदर, अच्छा, कर रहे हैं, क्योंकि आपको जान के थोड़ी ताजुब होगा कि जो पिग है वो ह्यूमन में ह्यूमन के सबसे नज़दीक है, क्लोज है, सबसे क्लोज है जी, आप समझे ना। और पिक के अंदर बेसिकली तो अपने उसकी फर्टिलिटी, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं और वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो ह्यूमन पिग मतलब ह्यूमनाइजेशन ऑफ पिग एंड उनके ऑर्गन्स वो यूटिलाइज होंगे, वो अपनी लाइफ टाइम में आ जाएंगे। मतलब कि रिलायंस अदानी के अंदर आपको किडनी लीवर बोन सब कुछ मिलने लगेगा, मतलब ये बात है कि आप जाके चूज कर लें, चूज कर लें कि मुझे ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, मेरी किडनी खराब हुई है तो यहाँ से वो लेके और आप ट्रांसप्लांट करा सकोगी। ये कितने वर्षों में डॉक्टर साहब आ जाएगा, ये आप और मेरी लाइफ टाइम में आ ही जाएगा, अपने इसको देख पाएंगे, मतलब आने वाले 10 साल 12 साल में, हाँ हाँ 10-12 साल बल्क में इसकी प्रोडक्शन होने लगी, हाँ हाँ, फिर तो कोई वो है ही नहीं कि किसी को कोई ऑर्गन फेलियर के लिए राह भी देखनी पड़े, या वो ऑर्गन फेलियर के लिए बेचारा मानसिक और शारीरिक तरह से हैरान हो जी। नहीं, ये मित्रों सही बात है कि जिसके घर में किडनी का पेशेंट होता है वो बहुत व्याकुलता होती है और पूरा घर अजीब बेचैनी से भर जाता है कि अभी बंदा जीवित भी रहेगा या नहीं, फिर ये बेचैनी होती है कि हम कहाँ जाएं। डॉक्टर साहब ये प्रश्न जब लोगों के मन में उठता है कि हम कहाँ जाएं, तो इस मतलब श्रृंखला में आपके हॉस्पिटल का नाम सबसे ऊपर है, तो क्या सुविधाएं आप बाहर से आने वाले लोगों को देते हैं, एक प्रश्न, और दूसरा इसी का एक और सेकंड प्रश्न कि क्या उस स्टेट की सरकारें
जो कि ये जानती हैं कि हमारा पेशेंट हम अपने यहाँ क्योर नहीं कर सकते, इसको जाना ही है गुजरात, तो क्या वो आपको कुछ फाइनेंस करते हैं आपके इस प्रोग्राम को? मैं आपका पहले प्रश्न का जवाब देता हूँ कि हम लोगों के यहाँ पे हिंदुस्तान से हर एक कोने से पेशेंट्स आते हैं। हमारे यहाँ पे लाइव रिलेटेड जो है प्रोग्राम है, जिसके अंदर जो पेशेंट है उसका एक आइडेंटिफाइड डोनर है, वो डोनर को लेके आता है। डोनर की व्याख्या में नोटो ने डिसाइड की हुई जो व्याख्या है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होती है, मतलब किसी ना किसी हर किसी का एक दूसरे के साथ ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता है, नहीं होना चाहिए, तो नोटो की गाइडलाइंस के हिसाब से ही होता है। और जो कैडेवर प्रोग्राम है उसमें गुजरात के डोमिसाइल होना ज़रूरी है, वो फर्स्ट लिस्ट में आता है और सेकंड लिस्ट के अंदर बाहर के लोग आते हैं। पर गुजरात है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ में मिल के ये तीन चार स्टेट में मधु जी बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। और अच्छा, तमिलनाडु और आंध्रा में भी और यहाँ गुजरात में सिस्टम बहुत ही साफ सुथरी है। यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इतनी अपफ्रंट है कि कोई भी चीज़ क्या कहते हैं हिडन नहीं है, सभी क्या कहते हैं अपना नियम के अनुसार होता है। और नई इंस्टीट्यूट हो जाने के बाद, जैसे अभी हम लोग 400 ट्रांसप्लांट करते हैं सालाना, नई इंस्टीट्यूट में जाते ही हम लोग 1100 किडनी कर पाएंगे और करीब रोज़ एक लीवर यानी 350 लीवर ट्रांसप्लांट, पेंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट और दूसरे भी जो मल्टी ऑर्गन हैं उन सब का ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये जो लीवर ट्रांसप्लांट है, क्या आपको लीवर भी इतने मिल जाते हैं? जी, हम लोगों के यहाँ पे जो दो प्रकार के लीवर ट्रांसप्लांट होते हैं मधु जी, एक तो कैडेवर या डिजीज डोनर होता है, जिसमें जो डिजीज डोनर या कैडेवर है उसका लीवर मिलता है, यंग पेशेंट है तो उसका लेके ट्रांसप्लांट हो सकता है। दूसरा है कि अगर कोई डोनर है उनकी फैमिली का नोटो गाइडलाइंस के हिसाब से, तो उसका स्प्लिट लीवर होता है, यानी जो डोनर है उसका आधा लीवर निकाल के जो दूसरे में रेसिपिएंट है यानी जिसको ज़रूरत है उसमें आधा लीवर दे लग जाता है। और मज़े की बात तो ये है मधु जी कि दोनों का लीवर है ना, कुछ टाइम के बाद नॉर्मल हो जाता है, दूसरा लोब भी बन जाता है, ये कुदरत का करिश्मा है। पूरा हो जाता है? हाँ, पूरा हो जाता है। हाँ, ये कुदरत का करिश्मा है, गजब। हाँ, और ये है सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसमें जो जितने ट्रांसप्लांट हैं लगभग सब फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं, तो लोगों के लिए। हाँ, गुजराती लोग, डोमिसाइल वालों के लिए। गुजराती नहीं, गुजरात के डोमिसाइल जो हैं उनको हो जाता है। लीवर भी मानो के 12-13 लाख रुपए में लीवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, वो सबसे सस्ता है। उसमें मेजॉरिटी जो खर्च है वो सरकार दे देती है, थोड़ा बहुत खर्च पेशेंट को खुद उठाना पड़ता है। कितना होता है डॉक्टर साहब ये? से 15 लाख से तो कितना? 13 लाख रुपये में से करीब 9 से 10 लाख रुपए तो सरकार दे देती है, या जो नहीं देते हैं उसको हम लोग जाके हेल्थ मिनिस्टर, डेप्यूटी सीएम जो हैं उनको और सीएम साहब को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बाय एंड लार्ज वो मान जाते हैं और सैंक्शन हो जाता है। क्या डॉक्टर साहब कुछ आप राहत भी देते हैं जो गरीब पेशेंट्स हैं? मधु जी, हमारे जो गुरुदेव जो स्थापक हैं उन लोगों का, उन जो जिन्होंने इंस्टीट्यूट बनाई, उनका सिंगल मोटो था कि पैसे के अभाव पे किसी की भी ट्रीटमेंट रुकनी नहीं चाहिए जी। तो हम लोगों ने नॉन गवर्नमेंटल फाइनेंस इकट्ठा किया हुआ है, जिसके अंदर से जो लोग गवर्नमेंट स्कीम में नहीं हैं या जो लोग बाहर से आते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं हम लोग कंसेशन या इवन फ्री कर देते हैं। अच्छा, आपने एक पूछा था कि बाहर से जो लोग आते हैं उनको गवर्नमेंट, उनकी सरकारें कुछ देती आपको हैं, कुछ सपोर्ट करती हैं क्या? हमारे जो अभी नरेंद्र भाई जो अपने पीएम साहब हैं उन्होंने जो क्या कहते हैं PMJY स्कीम या आयुष्मान भारत की जो स्कीम है, हाँ, शुरू की है। हाँ, उसके अंदर जो भी कहीं से भी पेशेंट आता है
उन सबको कंसेशनल या फ्री लाभ मिलता है। यानी वो कार्ड हर जगह एप्लीकेबल है? हाँ, ऑल ओवर इंडिया हमारे यहाँ भी बन जाता है। अच्छा। मतलब अगर जो पेपर्स लेके आते हैं तो आयुष्मान भारत का और माँ कार्ड यहाँ बन जाता है, पर बाहर की सरकारें, मुझे कहना नहीं चाहिए, वो उनके पेशेंट्स आते हैं पर वहाँ से कोई फाइनेंशियल मदद नहीं मिलती है। कभी आई एवर? क्या कभी आई इतने सालों में? मतलब हम लोग कभी ऐसा परंपरा शुरू हुई या नहीं हुई? कभी कभी मिला कि नहीं मिला सपोर्ट? एमपी से हम लोग उस टाइम शिवराज जी थे, मतलब शिवराज जी अभी भी हैं। हाँ। पर पहले की बात है कि उनको रिक्वेस्ट की गई सब करे, यूपी से भी करी गई बातें, तो आ जाते हैं। पर वो जो दिल खोल के होता है ना, हाँ, सपोर्ट, भाई फ्री, अपने यहाँ का, अपने यहाँ का पेशेंट आया, उनके राज्य का पेशेंट है, पर हाँ, कोई ऐसा फंड नहीं है कि उसमें से इनको, हाँ, मदद मिल जाए। पर हमारे लिए तो देश प्रथम है ना, तो देश का कोई भी नागरिक कहीं से भी हो तो वो सर्वप्रिय होता है, और क्षेत्रता उसमें उसका कोई बाध्य है नहीं, तो राष्ट्र प्रथम है मधु जी, तो राष्ट्र में रहने वाला जो व्यक्ति है वो हमारे लिए इक्वल है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके यहाँ एक और सिस्टम सुनने में आया था कि हमारा डोनर है और हमें सूट नहीं कर रहा, लेकिन वो किसी और को सूट कर रहा है, जो एक्सचेंज एक आपने प्रोग्राम, हाँ, चालू किया, हाँ, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, अब क्या होता है, जैसे लाइव रिलेटेड प्रोग्राम है जिसमें डोनर भी है, डोनर आइडेंटिफाइड है, पर वो डोनर की किडनी रेसिपिएंट को, पेशेंट को सूट नहीं करती है। जी, वैसे बहुत बड़ा एक वर्ग है जो नहीं कर पाता, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, तो हम लोग एक बहुत बड़ा स्वैप प्रोग्राम करते हैं, यानी एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं, जिसमें चेन बनती है। मतलब मानो 10 लोग हैं तो 10 के डोनर हैं, 20 व्यक्ति हैं, तो उन लोगों को कंप्यूटर द्वारा और टेस्ट करने के बाद उन लोगों को, 10 लोगों को अंदर क्या कहते हैं, एक्सचेंज करने की साइंटिफिक सलाह दी जाती है, उनकी चेन बनती है जी। वो नोटों के हिसाब से लीगल है, उसको गवर्नमेंट परमिशन दे देती है जी। और सबसे बड़ी चेन जो हम लोगों ने बनाई है वो 20 पेशेंट की है, विच वॉज द लार्जेस्ट चेन इन एशिया। मतलब एक साथ 20 लोगों को स्वैप हुआ, हाँ, मतलब 20 रेसिपिएंट और 20 डोनर। और मजे की बात यह है कि 20 ऑल आर सक्सेसफुल, सब हैप्पी हैं, सबका क्रिएटिनिन एक से कम है, एंड उनको नवा जीवन मिला है। जी। 5-5, 6-6 साल से लोग, हाँ, मतलब तड़प रहे थे, और ये जो है इंस्टीट्यूट ने उनको इस तरह की जो चेन है, छोटी चेन है जैसे 4 या 6 की, हाँ, पर एक तो राह मिली कि इस तरह का हो सकता है फ्यूचर में, और भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए कि कम से कम एक ट्रांसप्लांट में कितना खर्च होता है, एक नॉर्मल, अगर कोई कहीं से कोई सुविधा ना लें, कोई इंडिविजुअली खर्च करे, तो उसे, हाँ, कम से कम कितना करना होगा? हम लोगों के यहाँ पे वैसे देखा जाए तो ट्रांसप्लांट का टोटल खर्चा जो है वो रेसिपिएंट और डोनर दोनों का मिला के 1.25 लाख रुपए है, बराबर है जी। पर हम लोग एक इंसिस्ट करते हैं कि 3-3.5 लाख आइडेंटिफाइड फंड्स हों। तो क्या होता है, बीच में मानो के सडनली थोड़ी महंगी दवा की ज़रूरत पड़ जाए जी, और अगर उसके पास फंड नहीं है तो बेचारा वो तकलीफ़ में होता है, या तो फिर हम लोगों को उसको सब्सिडाइज करना पड़ता है जी। पर 3-3.5 लाख रुपए में ना हमारे यहाँ पे ट्रांसप्लांट बहुत आराम से हो जाता है। मित्रों, आपने सुना, 3.5 लाख रुपए की ही व्यवस्था करनी है, आप किसी भी प्रदेश के हैं तो भी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, एक लास्ट प्रश्न कि गवर्नमेंट से आपको अभी तक क्या मिल गया इन शॉर्ट, और किसकी आप अपेक्षा कर रहे हो या क्या डिमांड आपने रखी हुई है? देखिए, ये जो भी गवर्नमेंट गुजरात में आई या है, वो मधु जी, गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी एक बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग वाली है जी। उस थिंकिंग को नरेंद्र भाई जब चीफ मिनिस्टर थे, इतने साल रहे, तो उन्होंने एक नए स्तर पे, एक नए लेवल पे ले जाके रख दिया जी। मतलब जैसे हम लोगों की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हम लोग जो जाके मांग लें साइंटिफिक के लिए, वो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, वो मिल जाता है। मानो अगर कोई फाइनेंसिस में थोड़ी तकलीफ़ है
तो गुजरात की जनता जो गुजरात में है और जो मुंबई में है वो इतनी उदारवादी है कि मानो के अगर जाके कहें कि हम लोगों को एक इंस्ट्रूमेंट है 10 करोड़ का चाहिए, तो मधु जी हमें सिर्फ 1 महीने का टाइम होता है, आपको सिर्फ कन्वे करना है, बस हाँ कन्वे करना है टू द राइट पीपल। हाँ, और गुजरात की जनता मतलब जो फिलॉसफी है कि भाई जो पैसा कमाया, जो बिजनेस में कमाया, वो वापस देना है, समाज के लिए देना है, तो पैसे के अभाव पे तो ना तो कभी साधन रुका है, पैसे के अभाव पे किसी की ट्रीटमेंट नहीं रुकी है। जी जी, ये है, ये मतलब गुजरात क्षेत्र का, गुजरात प्रदेश का विशेष गुण है। डॉक्टर साहब, आपको ऐसा लगता है कि नॉर्थ के लोगों को या अन्य लोगों को सीखने की ज़रूरत है गुजरात के इस भाव को? जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जैसे बच्चन जी जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो जो कहते हैं कुछ टाइम तो आके इस प्रदेश में गुजारिए, तो सब लोगों को आके यहाँ पे रहना चाहिए, यहाँ की फिलॉसफी सीखनी चाहिए, और अगर वो ये फिलॉसफी से अपने अपने प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करें तो ये है ना, ये राष्ट्र अति उत्तम, अति उत्तम। वैसे भी सोने की चिड़िया बनने जा रहा है, तो सारे देश, दुनिया के सारे लोग एटलीस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो इसी देश में आएंगे। मधु जी, जी थैंक यू, थैंक यू मधु जी। मित्रों, ये हैं बहुत ही जुझारू जो दीवानगी के हद तक काम कर रहे हैं। अब मैं आपको क्या बतलाऊँ, जो पहला वीडियो था इनका, आप उसे देखेंगे तो इनके सारे बाल उसमें ब्लैक हैं, और अभी कुछ ही समय हुआ है कि इनके बालों में सफ़ेदी आ गई है, जो खुद ही इस बात का प्रमाण है कि इनका जो कितना मानसिक कंसंट्रेशन है कि ये हॉस्पिटल 1300 बेड्स 450 से 850 और ऐड करना कितनी बड़ी बात है, उसका बहुत अच्छे ढंग से लोकार्पण हुआ। आपने इनके मुखारविंद से सुना कि भाई मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का ये बहुत बड़ा सेंटर है, एशिया का बिगेस्ट सेंटर है, और हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जो यहाँ पे एक लकीर खींच के गए हैं, उस लकीर को बहुत ही स्पष्ट मत से, बुद्धि से ये लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ की जनता का भी अभिनंदन किया है कि भाई यहाँ की जनता दान देने में, साइंटिफिक चीज़ों में कभी पीछे नहीं है, और ये एक सीखने योग्य बात है। तो मैं समझती हूँ कि आज की ताज़ा तरीन जानकारी हमारे इन बहुत सारे किडनी दर्दियों को, पेशेंट्स को, और जो दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोग हैं उनको एकदम लेटेस्ट जानकारी है, प्रामाणिक है, क्योंकि डायरेक्टर साहब स्वयं ही बतला रहे हैं, और चूँकि ये मिश्रा जी हैं तो इनमें एक जो ब्राह्मण के अंदर जो देने की, आशीर्वाद देने की भूमिका में हमेशा रहती है, चाहे वो किसी भी पद पे चला जाए, IAS हो जाए, PCS हो जाए, मंत्री हो जाए, उसे तो देना ही है समाज को। तो ऐसी भावना से ओतप्रोत डॉक्टर मिश्रा से आपने सब जानकारी ली, अब आप ज़रूरत पड़ने पे डायरेक्ट इस हॉस्पिटल में अपनी देखभाल कर सकते हैं, आ सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।